जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया। और आज बात अजमेर में हो रहे शिक्षा क्षेत्र में नवाचार की। अजमेर के विख्यात सेंट विल्फर्ड एजुकेशन सोसाइटी और छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन सेंट विल्फर्ड कॉलेज कैंपस में किया गया। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत तरीके से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों ने साइंस एग्जीबिशन में फिजिक्स और बायोलॉजी से संबंधित मॉडल पेश किए और आर्ट एग्जीबिशन में बच्चों द्वारा पोस्टर आर्ट वर्क बेस्ड आउट ऑफ वेस्ट से संबंधित मॉडल पेश किए गए। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सेंट विल्फर्ड ग्रुप के कोऑर्डिनेटर विकास कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में 38 विद्यालयों से लगभग 3000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया था। साइंस एग्जीबिशन में शीतल एंड ग्रुप सेंट विल्फर्ड कॉलेज, सलमान एंड ग्रुप सेंट विल्फर्ड कॉलेज को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान मिला। वहीं मंगलम ITI को तीसरा स्थान मिला। आर्ट एग्जीबिशन में पोस्टर मेकिंग में पहला और दूसरा दोनों ही स्थान शादुल स्कूल किशनगढ़ ने हासिल किए। आज हमारा साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम था जिसके अंदर अपन ने अजमेर रीजन के अंदर एक एजुकेशन के अंदर एक IT के अंदर एक साइंस के अंदर एक नया हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेंट विल्फर्ड के थ्रू से। अपन अक्रॉस द 40 कॉलेजेज अपनी अक्रॉस द कंट्री और इसके अंदर अपन आगे से आगे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और इस रीजन के अंदर एक टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के। आज हमारे 2.5 से 3 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेंट्स किए हैं और हम ऐसे छोटे छोटे इवेंट बड़े बड़े इवेंट आसपास में करवाते रहेंगे जिससे कि एजुकेशन आगे बढ़ता रहे और लोग जुड़ते रहें हमसे। और आगे हम ये चाहते हैं साइंस एक ऐसी जगह है जहाँ पे कहीं पे ख़त्म नहीं होती साइंस आगे बढ़ के, इसलिए ये चाहते हैं कि इससे छोटे छोटे इवेंट्स अपने कॉलेज में कहीं पे भी अपन चाहें तो करवाते रहें। और साइंस सेंट विल्फर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेज इतना बड़ा ग्रुप है कि जो अपने जितने भी बच्चे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के हो प्राइवेट कॉलेज के हो हर क्षेत्र के बच्चों को हम आगे से आगे जोड़ना चाहते हैं। हमारा फोकस होता है कि गवर्नमेंट बच्चों के जो गरीब बच्चे होते हैं उनको हम अपने आप से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा कि वो हमसे जुड़े और हम आपसे आगे बढ़ें। उनको आप देखते हो 70% बच्चे क्या होते हैं अपने जो IAS RAS वगैरह बनते हैं वो किस फील्ड से होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस से होते हैं। तो हमारा फोकस होता है कि उन सबको जोड़ना होता है। और ये साइंस जो आज जो प्रोजेक्ट्स आए हैं वो 250 से एक्रो पूरे अजमेर लोगों ने 35 से ऊपर स्कूल है लोगों ने बहुत आगे से बढ़ के उनमें प्रोजेक्ट लगाए बच्चों ने। देखिए सर, मैंने मैकेनिकल प्रोजेक्ट हो गए, साइंस से रिगार्डिंग प्रोजेक्ट हो गए, वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट थे अपने जो अपने CA NRC वगैरह ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने जो करंट में चल रहे हैं उन सब से रिलेटेड अपने मैकेनिकल के हो गए, कंप्यूटर साइंस के हो गए, कौन बनेगा करोड़पति, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं सारे के सारे आजकल वो सारे प्रोजेक्ट्स हमारे बच्चों ने लीड किए हैं आगे से। कितने स्कूल आए हैं सर? अपने पास 35 स्कूल से ऊपर स्कूल है अपने अजमेर से और बाकी अपन और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को। और जो बच्चे जीतेंगे उनके लिए क्या? उन बच्चों के लिए हमारे पास पारितोषित है, इनाम है और जो हमने मतलब फर्स्ट और सेकंड थर्ड रैंक रहेंगे उनके लिए हम इंजीनियरिंग में विशेष व्यवस्था, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम इंजीनियरिंग करवाएंगे हमारी तरफ से। सर आपका नाम? विकास शर्मा, मैं कोऑर्डिनेटर द विल्फर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सर आज सेंट विल्फ्रेड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से हमने यहाँ एक टेक्निकल एग्जीबिशन एंड आर्ट कंपटीशन किया है जिसमें काफ़ी सारे स्कूल्स के बच्चों ने और अजमेर के कई कॉलेजेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। करीब 250 से ऊपर एंट्री थी हमारे पास और करीब 2500 बच्चों ने आज हमारे कॉलेज के अंदर विज़िट किया है इस प्रोग्राम से रिलेटेड। जैसा कि काफ़ी सालों से सेंट विल्फ्रेड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की कोशिश रहती है कि अजमेर को टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन का हब बनाया जाए, उसी प्रयास में ये एक छोटा सा कदम है और इसी तरह के कदम हम लोग आगे भी बढ़ाते रहेंगे और अजमेर को दोबारा से शिक्षा नगरी के नाम से हम लोग फेमस करवाएंगे। लगभग कितने बच्चे शामिल हुए हैं इसमें और जो प्रोजेक्ट बना के लाए किस तरह के प्रोजेक्ट हैं? 250 बच्चों ने प्रोजेक्ट में एंट्री दी है और इसमें कई फिजिक्स के प्रोजेक्ट हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के प्रोजेक्ट हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ने ज़्यादा एंट्री है। इसके अलावा क्राफ्ट और आर्ट्स की तरफ से भी कई सारे बच्चों ने अपनी एंट्रीज दी हैं जिसमें कई सोशल मैसेज वाले, टेक्निकल मैसेज वाले पोस्टर्स बच्चों ने बनाए हैं। इस तरह की सारी एंट्रीज मिला के करीब 250 एंट्रीज प्रोजेक्ट में हैं और 100 एंट्रीज पोस्टर कॉम्पिटिशन में। करने के पीछे कुछ खास मोटिव यही है हमारा कि हम किसी भी तरीके से एक
अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में जाके जुड़ें और आगे देश की तरक्की हो इसमें। मैं अभिनव कश्यप हूँ, मैं यहाँ इंजीनियरिंग का इंचार्ज हूँ। सैन विल्फ्रेड ग्रुप के प्रेसिडेंट डॉक्टर केशव बडाया ने भी कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी सदस्यों को बधाई दी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंह के साथ मैं ललित खत्री।